हेलो माय फ्रेंड्स, कैसा काय? आई होप आप मेरे सारे ट्रिक्स के वीडियो लेक्चर को सही से फॉलो कर रहे होंगे, उसको समझ रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज के जो ट्रिक्स हैं उससे मैं आग लगा दूंगा आग। डैट मीन्स कि आज हम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर अमोनियम के सॉल्ट को हीट करेंगे तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, उसको कैसे हम ट्रिक से याद रखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल ट्रिक के साथ। तो देखिए, अगर अमोनियम की मैं बात करूं तो यू नो अमोनियम इज NH4+, इस पर एक +1 चार्ज होगा, डैट मीन्स कैटायन आपका क्या हो चुका है, फिक्स। और एनायन जो है वो 99% आपको इन्हीं में से कोई मिलेंगे, आइदर इट विल बी नाइट्राइट और नाइट्रेट और डाइक्रोमेट और कार्बोनेट और हैलाइड। मेनली ये पांच एनायन आपको इस कैटायन के साथ मिलेंगे। तो इस कैटायन और एनायन से बनने वाले सॉल्ट को जब हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, उसको मैंने सिंपल ट्रिक्स आपको समझाया है। और ट्रिक्स का पॉइंट ये है कि अगर आपके सॉल्ट के फॉर्मूले में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड हैलोजन हो, तो अगर सिर्फ यही प्रेजेंट होंगे तो आपको रिमूव करना है पॉसिबल वाटर, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगा तो, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन हैलोजन होगा तो पॉसिबल HX आपको निकाल देना है, और उसके बाद जो बचेगा वही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। बट इन केस अगर आपके सॉल्ट के फॉर्मूले में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो है प्लस अदर एलिमेंट भी है, तो सबसे पहले आपको उस एलिमेंट का ऑक्साइड बाहर करना है, फिर उसके बाद जितना पॉसिबल वाटर हो सकता है वो बाहर करना है, फिर उसके बाद जो बचेगा वही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ एक पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जब वाटर आप निकालेंगे तो यू नो एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वाटर को रिमूव करना है कि फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन हैं। तो चलिए अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ मैंने टोटल 7 एग्जाम्पल लिया है और उसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसी ट्रिक से। तो देखिए, यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट की हीटिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमने आपको ट्रिक्स में बताया कि अगर यही तीन एलिमेंट हैं तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल वाटर निकालना है। तो यहाँ पे हम दो वाटर मॉलिक्यूल ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप दो वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब रेस्ट मेरे पास सिर्फ दो नाइट्रोजन बच रहा है, तो यहाँ पे मुझे N2 गैस मिल जाएगी। सिमिलरली उसी ट्रिक से अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे पास, तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वाटर अगेन मैं दो ही निकाल सकता हूँ क्योंकि चार हाइड्रोजन निकल गए। एक वाटर मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अटैच होंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी आपके पास दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन बच गया, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। और ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये एक और क्वेश्चन इसे बन सकता है कि राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2O गैस, तो ये रिएक्शन आपके लिए इजी हो जाएंगी। और एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाएंगे, चार ऑप्शन दे देंगे, विच वन विल गिव यू N2 गैस या N2O, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट है, तो उसके लिए हमने ट्रिक दिया था कि पहले उस एलिमेंट के ऑक्साइड को बाहर करो, तो Cr2O3 मैंने बाहर कर दिया जिससे दोनों क्रोमियम और तीन ऑक्सीजन निकल गए। अभी चार ऑक्सीजन और आठ हाइड्रोजन है हमारे पास, तो फोर वाटर मॉलिक्यूल मैं निकाल सकता हूँ जिससे एट हाइड्रोजन और चार ऑक्सीजन भी निकल गए। अब बचा हमारे पास सिर्फ दो नाइट्रोजन, तो यहाँ से भी आपको N2 गैस मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट है, डेट इज कार्बन, तो यहाँ पे आपको फिर से उसके ऑक्साइड CO2 को बाहर करना पड़ेगा। तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन बाहर हो गए, अब एक ही ऑक्सीजन बचा, तो हम एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। नाउ आपके पास दो नाइट्रोजन और छः हाइड्रोजन बचा, तो जिसको आप लिखने को तो ऐसे लिख सकते हो, बट यू नो कि यहाँ से मैं दो कॉमन निकाल सकता हूँ, तो एक्चुअली यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया गैस, तो यहाँ से भी आपको अमोनिया मिलने वाला है।
नाउ यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो पहले आपको HX बार करना है, तो HCl और एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ से अमोनिया गैस आपको मिल जाएगी। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे प्रॉब्लम आएंगे, डैट्स वेरी सिंपल कि आपको चार ऑप्शन दे देगा और किससे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो वो आप रटने से बच गए हो। नाउ NH4OH में अगेन देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो पॉसिबल वाटर H2O मैं रिमूव कर सकता हूँ और मेरे पास एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन बच जाएगा, तो यहाँ से भी आपको अमोनिया गैस मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया जाता है और बच्चे उसके बाद रोने लगते हैं कि सर ने ये तो बताया नहीं। भाई रुको, थोड़ा सबर करो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैटायन और एनायन के एक्सचेंज वाली रिएक्शन हो जाएगी पहले, तो आप पहले वो करा दो, तो यू विल गेट NaCl प्लस NH4NO2। कभी भी इस टाइप से रिएक्शन दे दे तो पहले कैटायन एनायन के एक्सचेंज रिएक्शन करा लें। ये मिल गया, और क्या मैंने इसका हीटिंग नहीं बताया, पहला ही प्रॉब्लम है ये, आप देख सकते हो। तो इसकी हीटिंग से फिर से आपको क्या मिलने वाला है, दो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और N2 गैस मिल जाएगी। तो इसका भी आंसर जो है, इस प्रॉब्लम का आंसर N2 गैस ही होगा। तो कभी इस टाइप में भी दे दे तो आप इजीली कर सकते हो। तो आई होप ये एप्लीकेशन आपको अच्छे समझ में आएगा, और 99% चांस है कि इन्हीं 7 रिएक्शन में से कोई ना कोई रिएक्शन होंगी। नाउ जाते जाते अगेन मैं एक ज्ञान की बात आपको देने जा रहा हूँ, और डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेटल के अजाइड को हीट करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट थिंग, व्हाट डू मीन बाय अजाइड हियर, तो तीन नाइट्रोजन पे अगर एक माइनस चार्ज होता है तो उसको अजाइड बोलेंगे, और मेटल के अजाइड लाइक सोडियम अजाइड, बैरियम अजाइड, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा। तो वेरी सिंपल, अगर इस मेटल के अजाइड को हीट करोगे लाइक सोडियम अजाइड को, तो सोडियम बुरा मान कर करके नीचे बैठ जाएगा और आपको N2 गैस मिल जाएगी। सिमिलरली बैरियम के अजाइड को अगर हीट करोगे तो बैरियम बुरा मान करके नीचे बैठ जाएगा और आपको N2 गैस मिल जाएगी। ध्यान रहे मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, डैट्स वेरी इजी, वो हम इजीली कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं इसको हीट करता तो क्या होता, तो ये तो वही है अमोनियम सॉल्ट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो पॉसिबल वाटर मैंने रिमूव कर दिया और यू विल गेट N2 गैस। इस पे बेस प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं कि आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि विच वन विल गिव प्योर नाइट्रोजन, तो आपका आंसर मेटल अजाइड होगा। फिर क्यों प्योर हुआ ये, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस मिली वो आपका गैस बनकर के ऊपर चला गया और जो मेटल है वो नीचे बैठ गया, तो यहाँ पे सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, प्योर आपको नाइट्रोजन मिलेगा। इससे भी नाइट्रोजन मिल रहा है सर, तो इससे क्यों नहीं प्योर, क्योंकि यहाँ पे जब आपने हीट किया तो वाटर के वेपर भी होंगे नाइट्रोजन के गैस में, तो इसलिए वो आपका प्योर नहीं हुआ, तो उसको सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच वन विल गिव प्योर नाइट्रोजन, तो मेटल के अजाइड को आपको टिक करना है, और विच वन विल गिव नाइट्रोजन ओनली अगर ऐसा है तो दोनों हो सकते हैं। तो आई होप आज का मेरा ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल नाइट्रेट, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे इसी तरह वीडियो लेक्चर को सही से देखते रहिए। थैंक यू।